पुलिस ने कुलगांव में आतंकी भर्ती मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रुबानी बशीर डार निवासी अशमूजी, फाजिल अहमद पेरे निवासी अशमूजी भान और तारिक अहमद नायक निवासी चकवाटू अधिकारियों का कहना है कि आरोपी डॉक्टर रुबानी बशीर आतंकवादियों के लिए काम कर रहा था। पर्दे के पीछे संगठन युवाओं की पहचान करता था और उन्हें आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए प्रेरित करता था। उनके पास से हथियार और अमनों बरामद किए गए थे। किया था कुछ महीनों पहले कि डॉक्टर सबील कोड नेम से एक आदमी है जो कि एक बैंड आउटफिट जमात इस्लामी विंग को बिलोंग करता है एंड ही इज एक्टिवली एंगेज्ड इन आइडेंटिफाइड जो यूथ है यहाँ पे उनको हॉस्टाइल करता है अगेंस्ट स्टेट एंड उनको एक्टिव करता है टू ज्वाइन टेरर गैंग्स। इसमें मैं ओवर ब्रीफ बताना चाहता हूँ। इन पिछले दिनों हमें पता चला कि एक गाड़ी का नंबर हमें जब हम इस डॉक्टर सबील कोर्ट पे काम कर रहे थे तो हमें पता चला कि एक गाड़ी का नंबर है जिसको हम ट्रेस कर रहे थे। उस गाड़ी को ट्रेस करते हुए हमने एक शख्स को आइडेंटिफाई करा, एप्रीहेंड किया था स्पॉट पे कहीं रास्ते में। जब हमने उसको एप्रीहेंड किया तो हमें पता चला था उसका नाम था डॉक्टर रुबानी बशीर। डॉक्टर रुबानी बशीर जो हैं वो अशमूजी को बिलोंग करते हैं। इन्होंने PhD की है फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एंड ही हैज़ बीन एक्टिव मेंबर ऑफ बैंड आउटफिट जमात इस्लामी विंग। ये IJT जो कि इनका स्टूडेंट विंग है इस्लामिक जमातुल तुबा का, 14 साल तक ये उसके मेंबर भी रहे थे। इनके डॉक्टर रुबानी उर्फ डॉक्टर सबील जो इनका कोड है, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जो तफ्तीश हुई है उसमें हमें ये पता चला है कि ये बैंड आउटफिट हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करते थे। ये लोकल लड़कों को मोटिवेट करते थे टेरर रैंक्स ज्वाइन करने के लिए। अभी इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें हमने दो लोग और आइडेंटिफाई करे जिसको इन्होंने एक्टिव करने की कोशिश की। इसी तफ्तीश में जब हमने आगे काम करने की कोशिश की तो हमें कुछ रिकवरीज भी हुई हैं इसमें, जिसमें से कि मैं बता सकता हूँ आपको, हमें पिस्टल रिकवर हुई है, मैगजीन रिकवर हुई है, AK-47 मैगजीन हुई है, ग्रेनेड हुआ है और कुछ लाइव राउंड है। एग्जैक्ट फिगर हम आपको प्रेस नोट में दे देंगे। ओवरऑल इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे जो चल रही है उसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को भी स्क्रूटनी करेंगे। प्राइमा फेसी अभी कुछ है नहीं, बट जो अभी तक तफ्तीश हुई है उसमें हम इसमें फर्दर कार्रवाई और करेंगे एंड हम कोशिश करेंगे। कुलगाम पुलिस के वाक्य से मैं बोलना चाहता हूँ कि हम कोशिश करेंगे कि कोई भी टेरर रैंक ज्वाइन ना करें और लोगों से भी यही अपील करते हैं कि अगर ऐसा कोई डॉक्टर सबील नाम या डॉक्टर रुबानी बशीर ऐसा एजुकेटेड या कोई भी जो मोटिवेट करता है कुलगाम के यूथ को एक्टिव होने के लिए, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, उन लोगों के बारे में बताएं। थैंक यू।